हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे, इस चैनल पे यानी कि आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर यानी कि 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं। इस खुशी में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आगे भी मैं जो भी प्रोजेक्ट टेस्टिंग करूँगा, अगर वो मुझे पसंद आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आइए अब चलते हैं हम डाटा सीट के ऊपर, जो कि ये डाटा सीट है LM1875 का। तो इसमें जो भी इसकी जो दो सर्किट यहाँ पे दी गई है, एक सिंगल सप्लाई और एक स्प्लिट सप्लाई। स्प्लिट सप्लाई मतलब डुअल सप्लाई पे, और सिंगल सप्लाई मतलब 12 वोल्ट पे चलने वाली। तो आप देख सकते हैं स्प्लिट सप्लाई में दो कैपेसिटर लगते हैं और दो कैपेसिटर के साथ प्लस माइनस की पिन ग्राउंड को जाती है। आप देख सकते हैं ये इसकी डाटा शीट है, और ये सिंगल सप्लाई के लिए। तो इसमें आपको 12 वोल्ट देना है। तो यहाँ पे ऑडियो इन होगा, ये देख सकते हैं वी इन जो लिखा हुआ है। तो ऑडियो इन के लिए प्लस की जो वायर है यानी कि ऑडियो की प्लस वायर इसमें जाएगी, और ये जो है ये ट्रेस जो है ये ग्राउंड है। और आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं कैपेसिटर से जो ये निकलेगी ये प्लस को जाएगी, और ये तो ग्राउंड ही है। और इनपुट जो बैटरी हम सप्लाई का इनपुट देंगे वो हम यहाँ पे देंगे, प्लस की यहाँ पे और ग्राउंड का यहाँ पे। तो इसकी ट्रेसिंग मैंने कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी सर्किट है। तो मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा ये सिंगल सप्लाई वाले की ही, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सिंगल सप्लाई के सर्किट को ही पसंद करते हैं। तो मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, अगर ये मुझे इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, और इसकी टेस्टिंग की वीडियो भी जल्द मेरे चैनल पे आने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा कुछ इसका कर लिया है फाइनल। आप इसकी जो कॉपर की जो मोटाई को कम भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे इसी तरह से टेस्ट करूँगा, अगर ये मुझे पसंद आती है इसकी साउंड क्वालिटी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, और इसके साउंड की जो टेस्टिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड होगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय भारत। वो दुख तोड़ गया यारा दिया यारियां, ओए रब्बा बड़ा धन्यवाद तेरा मेरे हिस्से पाउण नू।